वेलकम टू दिस चैनल ऑफ यूनिक टेक्निकल क्लासेस। माय नेम इज आर्यन गुप्ता और एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट बिल्डिंग ड्राइंग। मैं बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाऊंगा और बिल्डिंग ड्राइंग की यदि बात की जाए तो सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि विदाउट बिल्डिंग ड्राइंग और फिर अनदर स्ट्रक्चर का ड्राइंग, कोई भी ड्राइंग हो, विदाउट ड्राइंग सिविल इंजीनियरिंग की ज़िंदगी अधूरी है। सिविल इंजीनियरिंग के मतलब ही होता है ड्राइंग से संबंधित है। कोई भी चीज़ या कोई भी डिपार्टमेंट की यदि बात करते हैं, BCD के लिए यदि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, तो उसमें तो बिल्डिंग का ड्राइंग जो होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। RCD में जाएगा रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, तो उसमें रोड की ड्राइंग होना चाहिए। या फिर PHED पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो उसमें भी ना तरह तरह के बिल्डिंग होते हैं, नल जल योजना चलती है, तो रोड वगैरह या फिर कुछ पाइप पंप वगैरह ट्रस वगैरह ये सब की ड्राइंग होता है, कलभट हो गया, वियर्स हो गया, तो ये सब ना जो भी स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो सब की ड्राइंग ना खोजता ही खोजता है। तो ये जो बिल्डिंग ड्राइंग है एक बेसिक सिविल इंजीनियरिंग की ड्राइंग है और इसके बारे में ना नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके यदि और बात करते हैं तो ये बिल्डिंग ड्राइंग से ना सभी कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे गेट, SSJEE, Railway JEE या फिर कोई भी टेक्निकल जो भी एग्जाम सिविल इंजीनियरिंग का होता है उसमें बिल्डिंग ड्राइंग से क्वेश्चन आता ही आता है। बात ये है कि ये बिल्डिंग ड्राइंग के शुरू से स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग ड्राइंग एक्चुअली में हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है, बट इसमें इमेजिन पावर बहुत ज़रूरी होती है। और इमेजिन पावर के तौर पर यदि देखा जाए तो इसमें जिसका इमेजिन पावर स्ट्रांग होता है उसकी बिल्डिंग ड्राइंग बहुत स्ट्रांग होती है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि बिल्डिंग ड्राइंग के थोड़ा सा दृश्य दिखाया जाए, तो मेरे पास एक शीट है जिसमें मेरा बनाया हुआ खुद का ड्राइंग, ये देख लीजिए कि मेरे बनाए हुआ ये खुद की ड्राइंग। ऐसे तो ये बिल्डिंग ड्राइंग नहीं है, स्टेयर का ड्राइंग है। ये देखिएगा यहाँ पे, तो ये एक्चुअली में स्टेयर का ड्राइंग है, स्टेयर का प्लान हो गया, ये सेक्शन हो गया, ये डोर का ड्राइंग है। तो ये तो हो गया एक नमूना जो आप लोग को अभी समझ में नहीं हो रहा आ रहा होगा कि एक्चुअली में ये सब है क्या और ये सब बनेगा कैसे। और भी यदि बात करता हूँ तो ये देखिए, ये बिल्डिंग का ड्राइंग है, ये ड्राइंग यदि देखा जाए तो एक्चुअली में ये बिल्डिंग का ड्राइंग है और इसका ये बिल्डिंग का ड्राइंग का ये सेक्शन है। तो ये सेक्शन क्या है, बिल्डिंग ड्राइंग क्या है, कैसे बनेगा ना बनेगा, इसमें क्या होती है ना होती है ना, ये सारे बिल्डिंग ड्राइंग के अंतर्गत हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि बिल्डिंग ड्राइंग है क्या। तो बिल्डिंग ड्राइंग की सबसे पहले हम लोग ना डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन, तो बिल्डिंग ड्राइंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग ड्राइंग सिविल इंजीनियरिंग का वह ब्रांच है, यानी कि द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन विच वी ड्रा द प्लान एलिवेशन एंड सेक्शनल एलिवेशन। यानी कि बिल्डिंग ड्राइंग जो है सिविल इंजीनियरिंग की वह ब्रांच है जिसमें ना हम लोग किसी भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर की, जैसे कलवट हो गया, बिल्डिंग हो गई, रोड हो गई, रूफ हो गई, ट्रस हो गई, ये सारे जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है वो सारे स्ट्रक्चर के यदि हम उसका प्लान एलिवेशन एंड सेक्शन किसी भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर के प्लान एलिवेशन और सेक्शन जो ड्रा करते हैं, जिस ब्रांच में ड्रा किया जाता है, खींचा जाता है, उसी को बिल्डिंग ड्राइंग कहते हैं। और ये बिल्डिंग ड्राइंग जो है जिसमें प्लान एलिवेशन और सेक्शन किसी भी स्ट्रक्चर का खींचा जाता है, या तो वो डिफरेंट स्केल पे खींचा जाएगा और नहीं तो कोई पार्टिकुलर स्केल पे खींचा जाएगा। यानी कहने के मतलब ये हुआ कि बिल्डिंग ड्राइंग की यदि डिफिनेशन बात करते हैं तो द ब्रांच ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन विच वी ड्रा द प्लान एलिवेशन एंड सेक्शनल एलिवेशन या सेक्शन व्यू ऑफ एनी स्ट्रक्चर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सच एज रूफ, कलवट, बिल्डिंग, रोड, ETC एट डिफरेंट स्केल और पार्टिकुलर स्केल इज कॉल्ड बिल्डिंग ड्राइंग। यानी बिल्डिंग ड्राइंग क्या है, आप लोग समझ गए होंगे, बिल्डिंग ड्राइंग एक सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच है जिसमें ना हम लोग ना क्या करते हैं, तो प्लान एलिवेशन और सेक्शन डिफरेंट स्केल पे या फिर कोई पार्टिकुलर स्केल पे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। बात ये है कि इसके डिफिनेशन में चार वर्ड आया, प्लान आया, एलिवेशन आया, सेक्शन आया और एक स्केल आया। ये सब है क्या, इसके बारे में बहुत जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्लान क्या होता है। प्लान
प्लान की यदि बात की जाए तो प्लान क्या होता है, सिर्फ अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो बिल्डिंग को देख रहे हैं तो बिल्डिंग के जो डोर है, डोर की मतलब डोर नहीं विंडो की बात करते हैं, विंडो तो विंडो की बात करते हैं, खिड़की की बात करते हैं, तो खिड़की का जो सबसे निचला हिस्सा है जिसको सील लेवल कहा जाता है, एक्चुअली मान लीजिए खिड़की है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये बिल्डिंग के तीनों व्यू है बताऊंगा, ये मान लीजिए खिड़की है, तो खिड़की के जो निचला हिस्सा होता है वो निचला हिस्सा का सील लेवल कहते हैं, तो उसी निचला हिस्सा सील लेवल तक के पूरी एक हॉरिजेंटल प्लेन लिया जाए, हॉरिजेंटल प्लेन से पूरी बिल्डिंग को कट की जाए, तो बिल्डिंग को कट करने के बाद जो ऊपर से देखा जाता है ना, टॉप कहते हैं उसको, ऊपर से देखने के बाद जिस तरह से हम लोग को सीन दिखाई देता है और उसको कॉरस्पॉन्डिंग ड्रा करते हैं किसी शीट पे, उसी को एक्चुअली में प्लान कहा जाता है। यानी कि प्लान है क्या, तो प्लान एक टॉप व्यू है, कौन व्यू है, टॉप व्यू, टॉप व्यू, टॉप व्यू के मतलब ये हुआ कि इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से मतलब किसी बिल्डिंग को जब ऊपर से देखा जाता है, एक्चुअली में ऊपर से ऐसा ही नहीं देखा जाता है, ऊपर से देखेगा तो वो यदि ढाला हुआ मकान रहता है, बिल्डिंग होती है, तो ऊपर से सिर्फ छत दिखेगा, लेकिन वो मतलब टॉप व्यू या प्लान के मतलब ये हुआ कि उस बिल्डिंग को कट करके हॉरिजेंटल प्लेन से कट कर देंगे और तब देखा जाता है। तो बिल्डिंग को हॉरिजेंटल प्लेन से सील, विंडो के सील लेवल तक कट करने के बाद, ऊपर से देखने के बाद जो हम लोग को ना ड्राइंग प्राप्त होती है और उसको कॉरस्पॉन्डिंग ड्राइंग करते हैं कहाँ पे, सीट पे, उसी को क्या कहा जाता है, प्लान कहा जाता है। ये प्लान क्यों बनाना बहुत ज़रूरी है, देखिए कोई भी बिल्डिंग का ना प्लान, एलिवेशन और सेक्शन तीनों बनाना बहुत ज़रूरी है। प्लान से हम लोग को ये पता चलता है कि वो बिल्डिंग में ना कितने रूम हैं, कितने रूम है एक्चुअली में, प्लान ऊपर से देखने के बाद ही पता चलता, सामने से देखिएगा तो अंदर में क्या है ना है पता कुछ नहीं चलेगा, तो एक्चुअली में कितना रूम है उस बिल्डिंग में, कहाँ पे कौन रूम है उस बिल्डिंग में, ये सारी बातों को ना हम लोग को पता है प्लान से चलता है। एक्चुअली में बिल्डिंग की ये देखिए प्लान है, इसको सी लेवल से कट करने के बाद और क्या किया गया है, तो ऊपर से देखा गया, ऊपर से देखने के बाद इसी तरह से प्राप्त हुआ है। एक्चुअली में ये ऑफिस बिल्डिंग का प्लान है, यहाँ पे ऑफिस रूम हो गया, एक रिकॉर्ड रूम है जो ऊपर से देखने के बाद ही प्राप्त होगा, ये ऑफिस हो गया और ये बरामदा एक्चुअली में है, ये क्या है, बरामदा, ये बरामदा, ये D1 D2, ये सब जो है से गेट है, गेट मतलब डोर हो गया दरवाजा, और ये W है से विंडो है, ये V है से वेंटिलेटर है। वेंटिलेटर एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप लोग देखे होंगे कि बिल्डिंग जो बनाई जाती है, तो बिल्डिंग के जो सेलिंग होते हैं, सेलिंग से नीचे एक गैप होता है जो वेंटिलेशन का काम करता है, हवा हवा आने का काम करता है, लाइटिंग का काम करता है, उसी को ना वेंटिलेटर कहते हैं। तो ये प्लान है जो ऊपर से देखने के बाद प्राप्त होता है, इसको टॉप व्यू भी कह सकते हैं। दूसरा जो है बड़ा आया था एलिवेशन, एलिवेशन, एलिवेशन क्या है, तो एलिवेशन एक ऐसा ड्राइंग है या फिर बोल सकते हैं कि वैसा व्यू है, देखने का व्यू वैसा सीन है जो किसी बिल्डिंग को सामने से देखा जाता है, फ्रंट से देखा जाता है, इसको फ्रंट व्यू भी कहते हैं, कौन भी कहते हैं, फ्रंट व्यू, यानी कि फ्रंट व्यू यानी किसी बिल्डिंग को सामने से देखने के बाद जो हम लोग को व्यू प्राप्त होती है, सीन प्राप्त होती है, और उसको कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉ कहाँ पे करते हैं, शेप पे करते हैं, तो उसको ना एलिवेशन कहा जाता है। एलिवेशन से क्या हम लोग को फायदा है, एलिवेशन से ये पता चलता है कि किसी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, टॉप व्यू से ये नहीं पता चलेगा कि किसी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, एक्चुअली में बिल्डिंग की हाइट पता लगाना है, गेट की हाइट पता लगाना है, या किसी भी चीज़ की हाइट पता लगाना है, तो एक्चुअली में प्राप्त होगा एलिवेशन से। ये दिखाई दे रहा ना, ये एलिवेशन है जो सामने से बिल्डिंग को देखने के बाद ये प्राप्त होता है, और ये यही मतलब शो करता है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, या फिर बिल्डिंग के कोई भी स्ट्रक्चर की हाइट यदि पता लगाना, तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एलिवेशन चाहिए। और एक्चुअली में ये फ्रंट भी होता है, सामने से देखा जाता है। इसके बाद एक और है जिसका नाम है सेक्शन, इसको कभी कभी सेक्शनल एलिवेशन भी कहते हैं। तो ये सेक्शन क्या है, तो सेक्शन के मतलब ये हुआ किसी बिल्डिंग को कट करने के बाद, अब कट कैसे करना है, वर्टिकल प्लेन से, कौन प्लेन से, वर्टिकल प्लेन, मान लीजिए कि यही प्लान है, इस बिल्डिंग को इस प्रकार से कट करना है, इस प्रकार से कट करने का मतलब ये हुआ कि ये इस वाला दीवार को, ये वाला गेट को, इस वाला दीवार को, ये वाला विंडो को कट किया, और कट करने के बाद जो हम लोग ड्रॉ करते हैं,
ड्रॉ करने से जो सीन प्राप्त होता है, व्यू प्राप्त होता है, उसको ना हम लोग सेक्शनल एलिवेशन या सेक्शन कहते हैं। इससे फायदा क्या, तो इससे ये फायदा होती है कि जब सेक्शनल एलिवेशन खींचा जाता है, किसी बिल्डिंग को ड्रॉ की जाती है, तो उसमें ना उस बिल्डिंग के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के जो भी मटेरियल है या फिर उस फाउंडेशन वगैरह है, ये देखिए फाउंडेशन फुटिंग वगैरह हो गया, फुटिंग फाउंडेशन, ये सब की विड्थ क्या है, ये सब की लेंथ क्या है, जो चीज़ मतलब इनसाइड ग्राउंड है आउटसाइड ग्राउंड है, तो अंदर में क्या है, अंदर वाली मटेरियल क्या है, किस प्रकार के मटेरियल यूज़ किया जाता है, मोटाई क्या है, तो ये सारे मैटर को ना शो करने के लिए हम लोग ना सेक्शनल एलिवेशन खींचते हैं। यानी कि एक पूरी तरह से बिल्डिंग का प्लान या फिर एक पूरी तरह से बिल्डिंग ड्राइंग करने के लिए हम लोग ना तीन चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। दूसरी बात हम बताए थे कि बिल्डिंग ड्राइंग उसको कहते हैं जिसमें किसी भी बिल्डिंग का या फिर कलवर्ट या फिर कोई भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर का प्लान, एलिवेशन और सेक्शन खींचते हैं। तो वो भी बताया था कि डिफरेंट स्केल पे खींचते हैं या फिर कोई पार्टिकुलर स्केल पे खींचते हैं। डिफरेंट स्केल, पार्टिकुलर स्केल के मतलब तो आप समझ, पहले स्केल क्या होता है वो समझिए। देखिए अगर मान लिया जाए कि कोई बिल्डिंग की यदि बात करते हैं या किसी भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड यदि स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वो स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि यदि उसी साइज का जो ड्राइंग है वो सीट पे बनाए तो सीट पर एक्चुअली में अटेगा नहीं, नहीं आ पाएगा, तो वो सीट पे नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए हम लोग स्केल लेते हैं, और वो स्केल लेके क्या करते हैं कि उस मतलब वो जो ड्राइंग है वो ड्राइंग को छोटा करके वो सीट पे हटाते हैं। तो सीट पे लाने के लिए हम लोग जो मतलब स्केल का प्रयोग करते हैं, वो स्केल बिल्डिंग के लिए तो एक्चुअली में 1:100 होता है। और ये 1:100 क्या होता है सुन लीजिए, 1:100 के मतलब यदि हम लोग को एक्चुअल हाइट 100 मीटर है, तो हम लोग जो पेपर है या फिर सीट बोल सकते हैं, वो सीट पे हम लोग कितना मीटर लेंगे, 1 मीटर। यानी कि स्केल जो होता है ना, वो स्केल जो होता है वो मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस, यानी कि मैप के डिस्टेंस और ग्राउंड के डिस्टेंस के बीच के जो रेशियो होता है वो एक्चुअली में क्या कहलाता है, स्केल कहलाता है। अच्छा, किसी भी बिल्डिंग की ड्राइंग हो या किसी भी मतलब मैप वगैरह को देखिएगा, तो नीचे साइड में या अपर साइड में कहीं भी देखिएगा तो स्केल जरूर लिखा होगा। स्केल ये डिनोट करता है कि मतलब जो ग्राउंड की एक्चुअलिटी थी, रियलिटी थी, और रियल डिस्टेंस को कितना छोटा करके ना पेपर पे लाया गया, इसी बात को स्केल शो करता है। यानी कि स्केल इज द रेशियो ऑफ मैप डिस्टेंस टू द ग्राउंड डिस्टेंस। तो आज हम लोग ना अभी तक प्लान क्या है, एलिवेशन क्या है और सेक्शन क्या है, इसके बारे में देखें। थैंक्स। कल से, आज इंट्रोडक्शन क्लास था, कल से हम लोग ना बिल्डिंग ड्राइंग के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन अध्ययन करेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन क्लास था जिसमें हम लोग ये पढ़े कि प्लान क्या होता है बिल्डिंग का, एलिवेशन क्या होता है बिल्डिंग का और सेक्शन क्या होता है बिल्डिंग का। तो कल से नई नई बातों को पढ़ेंगे। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये सब जो ड्राइंग है, ये सब चूल्हे जो पेंसिल से ड्राइंग बनाई जाती है सीट पे, वो ड्राइंग अब चलता नहीं है। अब क्या होता है कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर चला है, और वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की सहायता से हम लोग कंप्यूटर में, लैपटॉप में जो भी सुविधा हो उसमें हम लोग उस सॉफ्टवेयर की सहायता से अब हम डिजिटल क्या बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं बिल्डिंग का। बट ये पहले चलता था, और ये पहले के ज़माना में ये ऐसे ही है। अभी भी क्या होता है कि जो गांव वगैरह में, विलेज वगैरह में जो बनाए जाते हैं बिल्डिंग्स, वो बिल्डिंग्स के जो मिस्त्री लोग होते हैं, वो मिस्त्री लोग ऐसे ही रफ स्केच मतलब किसी सीट पे खींच कर और वो डिनोट कर देते हैं कि कहाँ पे बेडरूम रहेगा, कहाँ पे किचन रहेगा, कहाँ पे टॉयलेट रहेगी, कहाँ कैसे बरामदा रहेगा, उसका स्टेयर कैसे होगी, उसकी रूफ कैसे होगी, ये सारे को डिनोट कर देता है। तो ये बिल्डिंग चलता नहीं है, बट इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको मतलब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो आगे हम लोग को क्या देगा, काम देगा। अच्छा हाँ, बिल्डिंग को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या लाइन होनी चाहिए, क्या ना लाइन होनी चाहिए, वो सारे मैटर को ना हम लोग डिटेल्स डिस्क्रिप्शन करेंगे। आज इतना ही, आज मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था। थैंक्स।